साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई, लॉकडाउन आपको पता है कोरोना की वजह से चल रहा है। कोरोना ने चलो जॉब भी लोगों के गए, लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन उनके साथ में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये तो हो ही रहा है नो डाउट, बेरोजगार होना, सैलरी नहीं मिलना, खाने की प्रॉब्लम, वीज़ा कैंसिल, टिकट कैंसिल, फ्लाइट नहीं मिलना, यानी लोगों का फंसना, ये तो चल ही रहा है। इसके साथ में जो लोग विदेशों में काम कर रहे हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं नाजायज़ ये इसलिए हो रहा है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है, वो लॉकडाउन का वहाँ के विदेशों के लोग भी नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जी हाँ साथियों, और ख़ास तौर से मैं अरबी कंट्रियों की बात करूँगा, गल्फ कंट्रीज में, ठीक है, क्योंकि भाई यूएसए अमेरिका जैसे कंट्रियों में तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ तो एजुकेटेड बंदे होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, है ना। ज़्यादा अगला नाटक करता है तो पिछवाड़े में हाथ डाल के अगले को पटक भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, गल्फ कंट्रीज में बेचारे गरीब बंदे, अनपढ़ आदमी, कम पढ़े लिखे, जिनको नॉलेज नहीं होता, 1500 दराम रियाल में सैलरी जॉब करने वाले, उनको भी वहाँ के अरब शेख, ठीक है, अरब शेख, और इनको क्या बोलते हैं, बुद्धू भी बोल सकते हैं, बद्दू, जो अनपढ़ आदमी एक कैटेगरी के होते हैं, जो जाहिल जिनको बोल सकते हैं, इंडियन लोगों के साथ या दूसरे वर्करों के साथ इतनी ज़्यादा गलत वो करते हैं। अभी एक वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, आप देखिए और आप अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं कि किस तरह से गलत काम हो रहा है। यानी काम करने के बावजूद तनख्वाह तो नहीं मिले, धमकी देना, मार के गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यानी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। पूरी जानकारी वीडियो में देखिए भाई, वीडियो ज़रूर शेयर करें आगे से आगे, ताकि इस बंदे का मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर लेने की कोशिश करी लेकिन ये नंबर नहीं मिला। कुवैत का वीडियो है, कुवैत में हालांकि ऐसा कम होता है लेकिन फिर भी हो रहा है, आप देखिए इस वीडियो में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है, मैं इंडिया यूपी ज़िला संभल से हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैं यहाँ कुवैत आया था काम के लिए 30 जनवरी को 2020 में। मुझे इन्होंने ड्राइवरी के लिए बुलाया था, सऊदी रिटर्न हूँ, तो कहता घर की ड्राइवरी, 3 बच्चे हैं बस, और कुछ नहीं है, और मुझे यहाँ बुला के इन्होंने मुझसे काम का 1.5 महीना गाड़ी चलवाई, उसके बाद इन्होंने मुझे यहाँ ला के डाल दिया इसमें रेगिस्तान में, ऊँटों के पास, ये यहाँ पर इस जगह, ये सब ऊँट है, ये यहाँ सब ऊँटे, देखो खाना खा रहे हैं, दिख रहे होंगे आप, ये सब खाना खा रहा है। इन्होंने मुझे यहाँ ला के डाल दिया यहाँ पर। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा लॉकडाउन का मसला चल रहा है, कोई बात नहीं, कर लेता हूँ काम। उसके बाद मुझे यहाँ पे 2 महीने हो गए, इन्होंने मुझे 2 महीने से सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। मैंने इनसे अभी 2 जून को मैंने इनसे अपनी तनख्वाह मांगी थी, तो मैं कहा 2 महीने की तनख्वाह हो गई मेरी, आप 2 महीने की तनख्वाह मुझे दे दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है, बच्चे घर पैसे नहीं पहुँचे हैं। तो उन्होंने कहा पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे हम नहीं देंगे, अभी काम कर चुपचाप तरीके से। तो मैंने उनसे कहा कि मैं काम नहीं करूँगा मुझे जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, आप मुझे घर वापसी भेज दो। तो पहले तो मुझे उन्होंने बुड्ढे ने मारा, बुड्ढे ने मारने के बाद फिर उसने बच्चों को फ़ोन करके बुलाया और झूठे इल्ज़ाम मुझ पर ये लगाया कि मैंने उसे बुड्ढे को मारा है, यहाँ जबकि 3 इंडियन और हैं, उनकी भी गवाही थी। उस वक्त वो ये टायर बदल रहे थे हम लोग, ये टायर देख रहे हो आप, ये सब ये टायरों की चेंजिंग कर रहे थे। तो इसने यहाँ खड़े होके, इस जगह खड़े होके मुझे मारा, इस जगह खड़े होके इनने मुझे मारा बुड्ढे ने। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, बुलाने के बाद मतलब अपने बेटे को बुलाया, बेटे को बुला के उससे कहा कि इनने मुझे मारा, तो उनके बेटों ने मुझे यहाँ इस जगह में लेटा था, इस जगह यहाँ, और लात मार रहे थे मेरे सब, बहुत मारा उन लोगों ने मुझे यहाँ पे, मुझे अल्लाह के वास्ते यहाँ से निकलवा लो बस, अल्लाह के मेरा मोबाइल नहीं चल लिया मुझसे, अल्लाह के वास्ते मुझे यहाँ से निकलवा लो, ना नहाने की सुविधा देना यहाँ पे, ना कुछ बात की। आप लोग अगर हाथ जोड़ता हूँ अल्लाह के वास्ते मुझे यहाँ से निकलवा लो, अल्लाह के वास्ते मुझे निकलवा लो यहाँ से, कह रहे हैं मार के जान से मार के डाल देंगे, जहां मेरे वो ऊंट पड़ रहे थे वहां डाल देंगे, दबा देंगे, पता नहीं चलेगा, कह देंगे 1 महीने से भागा हुआ यहाँ से, मुझे अल्लाह के वास्ते यहाँ से निकलवा लो। इनका
इनका मकान कुवैत अर्दिया गली नंबर 7 इशारा नंबर 6 यानी मोहल्ला नंबर 6 मकान नंबर 83 है। राशिद शरीफ नाम है इनका, राशिद शरीफ मुतेरी, बेटे का नाम है नाइब शरीफ मुतेरी राशिद, ये नाम है। अर्दिया में है। गता 7 अरबी बोलते हैं, गता 7 इशारा 6 बैत रकम तड़ा तमानीन। प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे निकाल लो यहाँ से प्लीज़।